श्री कृष्ण कहते हैं मान और अपमान, ये भी चीजें जिसको प्रभावित नहीं कर पाती है। सम्मान की ख्वाहिश रखने वाले लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं। आप जिस कर्तव्य को पूरा कर रहे हो, चाहे कोई सम्मान करे या अपमान करे, आप तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। और तुम कितना ही अच्छा काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमको धन्यवाद देंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुमसे वाद विवाद करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे तेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं है। याद रखना, सभी लोग आपको अच्छा कहें ऐसा संभव नहीं। कोई अच्छा कहे या ना कहे, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब ने लिखा है, अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में वाणी में तन में। जिसका स्वार्थ तुमसे हल हो जाता है वो तुमको अच्छा कहने लग जाता है, और जिसके स्वार्थ में ठेस लग जाती है वो तुमको बुरा कहने लग जाता है। दूसरे लोग आपकी परिभाषा करेंगे क्या? आप स्वयं अपनी परिभाषा नहीं जानते हैं क्या कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं? किसी ने कह दिया ये बुरा आदमी, बस तुम दुखी हो गए। नहीं नहीं, ये महिला लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी है, कोई कह दे काले रंग की पहनकर बैठी है, तुम रोने लग जाओ, हाय मेरी साड़ी को काला बताया। अरे बोलने दो, लाल लाल रहेगा, काला हो नहीं सकता। तुम रहोगे उसके कहने के अनुसार, तुम चेंज नहीं हो सकते हो। इसलिए बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो। साहेब बंदगी साहिबा।